महादेव जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज भगवान विष्णु को सुलाने का दिन है, यानी कि हरिशयनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, जिसको कि सभी मनुष्य जन बहुत ही प्रेम से मनाते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि आज के दिन से ही भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में जाते हैं। भगवान विष्णु को किस प्रकार सुलाना चाहिए, क्या लड्डू गोपाल या फिर शालिग्राम जी को सुलाया जा सकता है या नहीं सुलाया जा सकता है, और आज का दिन काफ़ी विशेष है दोस्तों, सर्वार्थ सिद्धि योग है, और भगवान विष्णु को किस मंत्र के द्वारा सुलाना चाहिए, तो बहुत ही विशेष बातें इस वीडियो में होने वाली हैं। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और श्री हरि विष्णु का परम प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, उस एकादशी को भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में जाते हैं, और इस काल, ये जो 4 महीने का समय होता है, इस समय जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान विष्णु ही प्रजा का संचालन करते हैं, पालन पोषण करते हैं, तो अब ये जब सोने जा रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी, यानी कि भगवान विष्णु अपनी जिम्मेदारी महादेव को सौंप कर सोने जा रहे हैं, तो इसीलिए सावन हो गया और उसमें महादेव की पूजा प्रारंभ होती है। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेंगे। और सबसे अधिक जो प्रश्न है, क्या लड्डू गोपाल जी को, भगवान विष्णु जी को और शालिग्राम जी को सुलाना अनिवार्य है, तो सारी बातें जो है इस वीडियो में बिल्कुल स्पष्ट होने वाली हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि एकादशी का जो नियम होता है वो आपके एक दिन पहले यानी कि दसवीं से प्रारंभ हो जाता है। जो लोग नया व्रत करना चाहते हैं वो अभी इस व्रत को शुरू नहीं करेंगे, इस व्रत से व्रत को शुरू नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा। हाँ, जो नया व्रत शुरू करना चाहते हैं उन्हें इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है। जो व्रत करते हैं उनके लिए तो ये नियम पालन करना अनिवार्य है, जो नहीं करते हैं वो भी शुद्ध सात्विक आहार लेकर नियम को पालन कर सकते हैं। करना यह है दोस्तों कि आपको दसवीं के दिन शुद्ध सात्विक भोजन लेना है, सूर्यास्त के पहले अपना खाना खा लीजिएगा, महिलाएं हैं तो बाल वगैरह धोकर आपको साफ हो जाना है। इसके बाद अगली सुबह आप जल्दी जगेंगे, जिस दिन एकादशी होती है जल्दी जगिए। हर एकादशी में यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं, संकल्प करना ज़रूरी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिए कि हर एकादशी में संकल्प करना अनिवार्य नहीं होता है। एकादशी का व्रत करिए और उसके बाद भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजन करिए। विधि विधान का मतलब देखिए, उनको पीले श्रृंगार आज के दिन जरूर करना चाहिए, यह आप बिना व्रत के भी कर सकते हैं। पीले श्रृंगार का मतलब पीले फूलों का हार पहनाइए, गोपी चंदन का इस्तेमाल कीजिए, पीले चंदन का इस्तेमाल करिए, इत्र जरूर लगाइए, पीले वस्त्र पहनाइए, पीला भोग जैसे केले का भोग बहुत प्रसिद्ध है, आजकल आम भी आने लगे हैं तो आप आम का भोग लगाइए, जो भी मतलब केला बहुत ही ज़्यादा उन्हें प्रिय है, ये काम करिए। आज भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए पीपल वृक्ष में जल चढ़ाना, पीपल वृक्ष की शाम को दीपक जलाना घी का बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि भगवान नारायण का वास साक्षात पीपल में माना जाता है। इस तरह से करके आप अपनी एकादशी की पूजा करेंगे। क्या खाएंगे ये ध्यान रखिएगा, एकादशी में नमक का त्याग किया जाता है, अन्न का त्याग किया जाता है, बाकी उसके अलावा आप फल दूध जूस सारी ही चीज़ें खा पी सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप एकादशी में इन फलों का सेवन अवश्य कर सकते हैं जो मौसम के हैं, साथ साथ ध्यान रखिए कि एकादशी में दूध वगैरह ले सकते हैं और साथ साथ आप फल ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, तो अनाज का सेवन और नमक का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता, क्योंकि एकादशी का व्रत ही वो होता है जिसमें अन्न नहीं खाया जाता है। तो दोस्तों, अब जानेंगे कि देवशयनी एकादशी कब शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। देखिए, देवशयनी एकादशी 16 जुलाई को, 16 जुलाई यहाँ पे 2022 लिखा है, लेकिन ये गलती से लिखा गया है, तो इस बात का ध्यान आप लोग रखिएगा, ये 2022 2024 के जगह 2022 है, तो आप मुहूर्त पे ध्यान दीजिए। 16 जुलाई को रात को 8:33 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, जो कि 17 जुलाई को रात को 9:02 पर समाप्त होगी। ऐसे में जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे दिन की हमें अच्छी वाली एकादशी मिल रही है 17 जुलाई को, तो इसलिए हमें जो है एकादशी का व्रत करना है 17 जुलाई 2024 को। तो इस तरीके से आप सभी समझ गए होंगे कि किस दिन जो है आपको एकादशी का व्रत करना है। अब हम लोग जानेंगे कि एकादशी का व्रत तो हम कर लिए, पूजा हम कर लिए, अब जो लोग देव सुलाते हैं उन्हें क्या करना होता है।
देखिए दोस्तों, पहली चीज़ समझ लीजिए कि लड्डू गोपाल जी और सालीग्राम जी को नहीं सुलाया जाता है। अगर आप सुलाना चाहते हैं तो आप भगवान विष्णु को सुलाइए, लेकिन ध्यान रखिए ये केवल एक भगवान की लीला है। भगवान कभी सोते नहीं है, अगर वो सो जाए तो सृष्टि में प्रलय आ जाए। फिर भी एक प्रतीकात्मक स्वरूप में वो सोते हैं और हम जो है ये प्रतीकात्मक स्वरूप उनका चाहें तो अपने घर में कर सकते हैं। तो इसे सुलाने के लिए भगवान विष्णु की मूर्ति होनी चाहिए, अगर है तो आप सुलाइए, नहीं तो केवल अपने मन में सुलाने का भाव करिए कि मैं भगवान को सुला रही हूँ, भाव करके और इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। सुप्ते त्वं जगन्नाथम जगत सुक्तम भवे विदितम विबुद्धे त्वयि बुद्धे जगत सर्वम चराचरम, आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और अनिवार्य नहीं है आप सारी चीज़ जो है मंत्रों के द्वारा न कर पाएँ तो आप भावनाओं के द्वारा कर सकते हैं। आप भगवान विष्णु से प्रार्थना करिए कि हे भगवान अब आप आराम करिए, मैं जो है प्रार्थना कर रही हूँ कि आप क्षीर सागर में माता लक्ष्मी के साथ विश्राम मुद्रा में विराजमान हैं। ऐसी भावना करके आप भगवान विष्णु के साथ जो है उनकी माँ लक्ष्मी के साथ और भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें, उन्हें मखाने की खीर वगैरह का भोग लगाएं। लड्डू गोपाल जी सालीग्राम जी को आप जैसे प्रतिदिन भोग लगाते थे, स्नान कराते थे, वस्त्र पहनाते थे, वैसे करेंगे। अगर सुलाना चाहते हैं तो आप भगवान विष्णु की मूर्ति को सुला सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये काम आप नहीं करें तो बेहतर है, क्योंकि आप घर में गृहस्थ जीवन जी रहे हैं और भगवान विष्णु को डेली आप प्रतीकात्मक यानी कि भाव करके उनके सुला दीजिए और उनको प्रतिदिन भोग वगैरह लगाइए, यही आपके लिए बेहतर होगा। तो सारी चीज़ें जो है वो ध्यान से समझ लिए आप। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों कि आज जो है सर्वार्थ सिद्धि योग है, तो सर्वार्थ सिद्धि योग में हम क्या कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सर्वार्थ सिद्धि योग ज़रूर है, लेकिन अब आज से शुभ मांगलिक कार्य सभी बंद हो रहे हैं, क्योंकि घर का मुखिया जब उपस्थित नहीं रहता है तो कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। और ऐसे में माना जाता है कि भगवान विष्णु निद्रा में हैं और उनकी अनुपस्थिति में किसी भी तरह का शादी विवाह मुंडन जनेऊ ये कार्य नहीं होना चाहिए, गृह प्रवेश भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई कार्य बहुत अनिवार्य है तभी जा कर के हमको करना चाहिए, वो भी अपने पुरोहित पंडित जी से सलाह लेकर दिन मुहूर्त देखकर, क्योंकि ये चार महीने जो है माने जाते हैं कि इस महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग है, कोई बहुत विशेष जरूरी कार्य है तो आप कर सकते हैं। आज एक और विशेष चीज़ जानेंगे दोस्तों कि चातुर्मास के नियम क्या है। ये जो चार महीने होते हैं देव सैनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक, इस महीने में लोग चातुर्मास का नियम लेते हैं। देखिए पहले के समय में ना बहुत सारे लोग थे जो कि बहुत पुण्यात्मा थे और उनकी कही हुई वाणी सत्य हो जाती थी, या फिर इतनी पूजा पाठ ना करने के बाद भी उनके अंदर तपोबल होता था, वो सुखी रहते थे, दूसरों को भी आशीर्वाद दे दे तो उनका जीवन निहाल हो जाता था। तो क्या करते थे, तो यही सारे पुण्य कर्म करते थे। जैसे चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है, चातुर्मास में कुछ विशेष नियम, जैसे देखिए चातुर्मास का लोग व्रत भी करते हैं। इस व्रत में एक टाइम खाना खाना होता है और पूरे दिन का व्रत करना होता है। अब ये चीज़ें तो चार महीने के लिए अभी संभव नहीं है, इसलिए कुछ विशेष नियम का ध्यान रखिएगा। जैसे चार महीनों के लिए आप मूली गाजर इस तरह की चीज़ों का त्याग करें, आप मसूर की दाल वगैरह ना खाएं, तो जितने नियम हो सके उतने करिए। अगर कोई चातुर्मास का नियम लेना चाहता है तो सूर्योदय से पहले उसे उठकर नहाना चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए, पूरे दिन फल फलाहार लेकर के व्रत करना चाहिए और शाम को सूर्य डूबने के बाद तारों को अर्घ देने के बाद आप खाना खा सकते हैं, वो भी मीठा भोजन खाया जाता है। तो ये शास्त्र का नियम है और इस तरीके से अगर आप करना चाहते हैं तो चातुर्मास का यही नियम है, इस विधि से करना चाहिए। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि आप मुझसे कुंडली दिखाना बनवाना चाहते हैं तो केवल यही नंबर है कमेंट बॉक्स में, किसी भी तरह का नंबर कोई दे रहा है तो एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा केवल एक और एक ही नंबर है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कुछ विशेष उपायों की। देखिए हरिशयनी एकादशी पर एक काम आपको अवश्य कर लेना है, माँ तुलसी की पूजा का संकल्प लेना है। हो सके तो घर में जो तुलसी है तुलसी के पास बैठकर, चार महीने के लिए मैं बता रही हूँ, आप एक बहुत विशेष काम करिए, घी का दीपक जला करके और सुबह शाम, सुबह जो है अंधकार में ही नहा लीजिए और माँ तुलसी के सामने एक घी का दीपक जलाइए, शाम को माँ तुलसी के पास सुबह ना भी जला पाएँ
तो शाम को एक घी का दीपक जलाकर माँ तुलसी के सामने आसन डालकर बैठ जाइए और वहाँ 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करिए। अपनी मनोकामना जो है बोलिए, 4 महीने के अंदर अंदर निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जब भगवान विष्णु सोने जाते हैं तो केवल और केवल तुलसी माता ही उन तक आपकी मनोकामना पहुँचा सकती हैं। तो कोई अनिवार्य मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, प्रयोग करके देखिए, 4 महीने में आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, क्योंकि तुलसी ऐसे माध्यम है जो भगवान विष्णु तक आपकी मनोकामना ले जाती हैं, पहुंचाती हैं। तो उम्मीद करती हूं दोस्तों कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। देवसैनी एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। कब किया जाएगा? तो 18 तारीख को, 18 तारीख को सुबह 5:34 से 8:19 तक पारण का सुमुख मुहूर्त रहेगा दोस्तों। अब ध्यान रखिएगा, पारण में लहसुन प्याज और इस तरह की चीज़ों का त्याग किया जाता है। पारण के दिन केवल 2 समय ही अनाज खाया जाता है, इसलिए पारण के पहले अच्छे से भोजन तैयार कर लीजिए। एक बार बैठकर सुबह भोजन कर लीजिए, बाद में दिन में भूख लगती है तो आप दूध, दही, फल ये सब चीज़ें खा सकते हैं। फिर रात को आराम से जो भी भोजन करना है करिएगा। पारण में लहसुन प्याज मांस वगैरह का त्याग किया जाता है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि शाम को अगर आपको कुछ बाहर से खाना है या लहसुन प्याज खाना है तो शाम को खा सकते हैं। पारण में ध्यान रखिएगा, सरसों का तेल भी त्याज्य है। इन सारी विशेष बातों को ध्यान रखिएगा। सुहागिन महिलाएं आज के दिन अपना बाल न धोएं, नाखून न काटें, इस विशेष बात का हमें ध्यान जरूर रखना है। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।